कि गरीबों की इस तकलीफ को जो लॉकडाउन की वजह से हो रही है, लॉकडाउन बगैर किसी से मशवरा किए वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, ना कोई टाइम दिए, ऐलान कर दिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस लॉकडाउन की, अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में, मैं हैदराबाद की मिसाल दे सकता हूं, तेलंगाना की मिसाल दे सकता हूं, जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के खासतौर से सीमांचल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, कोई पुरसान हाल नहीं उनका। ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा काम किया के चंद्रशेखर राव ने, कि उन्होंने अलैलान कहा कि ये तमाम के तमाम तेलंगाना के हमारे भाई हैं, इन मेरी रियासत में केसीआर ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा। किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह का बयान नहीं दिया। और यहां की तेलंगाना की हुकूमत ने उन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, उनके लिए राशन का इंतजाम किया, उनको 500 रुपए देने का इंतजाम किया, आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर उनको खाना भी दिया जा रहा है। मैं तेलंगाना की हुकूमत के इस इकदाम पर उनको मुबारकबाद भी देता हूं। मगर आप बताइए, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत गरीब परेशान, रोजगार नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, क्या किया वजीर आजम आपने? ठीक है, आपने पीडीएस को जारी किया, 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में हमारा गोदाम भरे हुए, छोड़िए ना इसको प्रधानमंत्री जी, किस दिन के लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में इतना सामान रखा गया है? आज ही के दिन तो ना, आज रबी का क्रॉप आएगा और बढ़ जाएगा, एक सब्सिडी के पैसे के लिए, अकाउंटिंग के लिए, छोड़िए उसको, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से पूरे भारत के स्टेट्स को दीजिए, आप जो जो एफसीआई में पूरे स्टेट्स को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, भूखे हैं लोग, उन लोगों को दीजिए जो लंगर लगा दे, जो खाना पकाकर गरीबों को खिलाएंगे। 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन इंडिया हमारा किस दिन के लिए, क्या करेंगे हम? अमेरिका को तो आप दवाएं दे सकते हैं, क्या भारत के लोगों को फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से प्रधानमंत्री आप नहीं देंगे? 77 मिलियन टन रखा हुआ है एफसीआई में, अब ये क्रॉप आएगा और बढ़ेगा इंशाल्लाह, इसी आज ही ऐसे दिनों के लिए तो हमने किया था। मैं लॉकडाउन अगर आपको बढ़ाना है वजीर आजम, ये आपका फैसला है, मगर लॉकडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000 रुपए डालेंगे। डालिए 5,000 रुपये, अगर बजट को खत्म करना है खत्म करके नया बजट लीजिए, अगर नोटों को छपाना है तो छापिए नोटों को। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सही कहा, यह वक्त जान बचाने का है, गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविड से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, कहां जाएगा गरीब बताइए आप? मैं वजीर आजम से अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टेट्स को, हमारे तेलंगाना में 85 लाख व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप दीजिए सेंटर से तेलंगाना सरकार को कि एक एक व्हाइट राशन कार्ड होल्डर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। लॉकडाउन आप बढ़ाइए, लॉकडाउन कामयाब उस वक्त होगा, कब तक हम गरीबों को रोक पाएंगे? उनको खाने की जरूरत है। यकीनन तेलंगाना में यहां की सरकार आउट ऑफ द वे जाकर 2 महीने का राशन भी दे रही है, अब 1500 रुपया करीब अकाउंट में भी जमा किए जाए।